मैं नमन करता हूं भीलों की इस सरजमी को, बेणका की सरजमी को, माऊजी महाराज की इस सरजमी को बहुत बहुत नमन करता हूं, हमारे पुर के खत्रियों को नमन करता हूं। आज इस बेणका में जहां पर तीन नदी का संगम होता है, जो माही नदी है हमारे गृह जिले से निकल कर आती है, उस जगह पे मैं आज खड़ा हूं। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जो सोम नदी है, जो बिछा मेड़ा भील की पहाड़ी से निकलती है और बेणका में आकर मिलती है, जो जाखम नदी है वो बेणका में आकर मिलती है, ये तीन नदियों का संगम, ये आदिवासियों की त्रिवेणी है, इसे आदिवासियों की गंगा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि माही नदी का संगम है, सोम नदी का संगम है, जाखम नदी का संगम है, तो उसको उसी के नाम से पुकारा जाना चाहिए, ना कि आदिवासियों की गंगा कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनके गंगा तो उत्तर प्रदेश में वहां के हैं। हम लोग, मैं जयेश और पूरी टीम, हम आदिवासी परिवार के साथ हमेशा साथ हैं और हक की लड़ाई में साथ रहेंगे। आज हम उस सरजमी पर खड़े हैं जिस सरजमी के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी जब पहली बार इंडिया में घुसे थे तो सबसे पहला तीर माथे पे मारा था और मार दिया था, उस सरजमी पे खड़े हैं, इसलिए हमको बहुत गर्व महसूस होता है। यह जो सम्मेलन है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी प्रदेशों के लोग पधारे हैं, हम लोग एकता की बात करते हैं, हम लोग एकता के सूत्र में रहकर इस सम्मेलन का आयोजन किए हैं। आयोजनकर्ता को बहुत बहुत बधाई। और आपका आयोजन आज देख लीजिए, आज की जो पब्लिक है अपने अपने पैसों से आए हुई पब्लिक है, और कल मानगढ़ धाम में किराए की पब्लिक आएगी तब भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आदिवासी खून है, अपनी कौम को बचाने के लिए आए हैं, अपने बेणेश्वर धाम को बचाने के लिए आए हैं। ये जंगल हमारा है, ये जो नदी निकली है ये हमारी है, ये पहाड़ हमारे हैं, यहाँ पे जो देव थे वो हमारे हैं, तो फिर ये इस जमीन का नामकरण और इस जमीन का पुजारा भी आदिवासी होना चाहिए, ना कि कोई गैर होना चाहिए। इस जमीन के लिए ये आंदोलन किया है, मैं उन आंदोलन साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोग आपका जो भील प्रदेश का नारा है, हम भी भील के ही वंशज हैं, हम भी भील के ही वंशज है, हमारे पूर्वज भी राजस्थान से ही मध्य प्रदेश गए हैं, और मध्य प्रदेश में जाकर चाहे भीलाला बन गए चाहे बारेला बन गए, लेकिन हमारा खून आदिवासी खून है, भील का डीएनए हमारे अंदर है, और वो खून बोलता है। इसीलिए आज चाहे भील हो, भीलाला हो, बारेला, पटलिया हो, या आदिवासी नजर आ रहा है, यही सबसे बड़ी खासियत है। और जैसे कि कांति दादा ने कहा कि हमारे टंटिया भील के यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए, दादा अगला कार्यक्रम हम वहीं पर करेंगे, आप सब लोग पधारिएगा, हम आज भी आपको आमंत्रण देते हैं। जिस टंटिया भील ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उनका नाम तक लेने में सरकारें कतराती थी, जिस मानगढ़ धाम में 1913 में 1507 आदिवासी शहीद हो गए, सरकारों के कानों में जो नहीं रेंग रहा था, लेकिन आपके जन जागरण ने दिल्ली के लोगों को मानगढ़ आने पर मजबूर कर दिया, ये आपकी ताकत है, और इस ताकत को बरकरार रखिएगा, चाहे आदिवासी परिवार हो चाहे जयस हो, सबसे पहले समाज, संगठन से पहले समाज है, और समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग हरदम खड़े रहेंगे, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। बस मुझे समय कम मिला है, मैं इतना ही कहूंगा, और अंत में एक चीज कह देता हूं, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख ना ईसाई है, हम इस देश के मूल मालिक आदिवासी हैं। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश नारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार, जय भील प्रदेश, धन्यवाद।